मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से बड़ी ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर एक दलित कर्मचारी को उसके मालिक ने इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो दर्द से तड़प तड़प कर रहम की भीख मांगने लगा। दरअसल हुआ यूं कि एक दलित कर्मचारी पेट्रोल पंप पर काम करता था और उसने अपने मालिक को बिना बताए छुट्टी कर ली थी। कर्मचारी की इस बात से नाराज होकर पेट्रोल पंप के मालिक ने उसे बांध कर बुरी तरह से पीटा। गौर करने वाली बात तो ये कि कर्मचारी बार बार ये बोलता रहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से वो काम पर नहीं आया था, लेकिन उसके मालिक ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे बेरहमी से पीटता रहा। वहीं हैरानी वाली बात तो ये कि जब पेट्रोल पंप का मालिक दलित कर्मचारी को पीट रहा था तो उस दौरान उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर उसने खुद पोस्ट किया। वहीं पेट्रोल पंप के मालिक ने कर्मचारी को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो इस बारे में पुलिस को जानकारी देगा तो उसके लिए सही नहीं होगा। वहीं इस डर से वो कर्मचारी अपने गांव चला गया था, जहां उसने इस बात की जानकारी गांव वालों को दी। वहीं गांव वाले जब पीड़ित शख्स के साथ पुलिस थाने पहुंचे तो उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट लिखवाई। वहीं पुलिस ने भी रिपोर्ट लिखने के बाद पेट्रोल पंप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।